नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि एक बल 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि बल का क्षैतिज घटक 40 न्यूटन हो तो बल का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है बल का क्षैतिज घटक, यानी कोई फोर्स है, हमने मान लिया कि ये फोर्स है। फोर्स का जो क्षैतिज घटक है, यहाँ से हमने थीटा माना, तो हमने ये माना कि जो एफ एक्स है तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल घटक क्या होगा दोस्तों, एफ साइन थीटा। यानी अगर आप लिखना चाहें तो एफ वाई बराबर क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। और कह रहा है कि क्षैतिज घटक कितना है, 40 है, और आपसे क्या पूछा है, वर्टिकल घटक पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चूंकि, और ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। चूंकि एफ एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, एफ कॉस थीटा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 40, एफ इंटू कॉस, कॉस 60 होगा, 40, एफ इंटू कितना जाएगा, 60 की वैल्यू 1/2, एक बटे क्या होगा, 2। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, 80 हो गया, तो एफ की वैल्यू तो आ गई 80 न्यूटन, यानी जो परिणामी बल एफ की वैल्यू है वो कितनी आ गई है दोस्तों, 80 न्यूटन। लेकिन आपसे पूछा है ऊर्ध्वाधर घटक, तो लिखेंगे चूंकि एफ वाई बराबर क्या होता है, एफ साइन थीटा, एफ का मान कितना है, 80 है, और साइन कितना होगा, एफ साइन थीटा, तो ये एफ हो गया और ये क्या हो गया, इंटू साइन 60 डिग्री। और जैसा कि आपको पता है एफ की वैल्यू कितनी होगी, 80 इंटू साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2, तो करेंगे तो आप कितना होगा, 40√3, ठीक है दोस्तों। तो एफ वाई की वैल्यू इतनी होगी, ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हैं 1.732। चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं, सात तीन दो में 40, तो ये वाला तो सारा सेक्शन क्या हो जाएगा, 0, 4 × 2 = 8, 2 × 29 दो 6, 0, 8, 2, 9 और 6, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी 59.28, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो आया है 59.28 न्यूटन, या आप ओवरऑल भी कह सकते हैं कि 59.3 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा, ठीक है। 59.28 न्यूटन, यानी 59.3 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बस गुणा करना है आपको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। कह रहा है, क्वेश्चन बोला है आपको, क्वेश्चन बोला है यदि सदिश वेक्टर ए तथा सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के एक्स तथा वाई घटक, ठीक है, एक्स तथा वाई घटक के मान क्रमशः 4 व 6 तथा 10 व 9 है, तो सदिश वेक्टर बी के एक्स तथा वाई घटक उसका परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि यदि सदिश वेक्टर ए तथा सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के एक्स तथा वाई घटक के मान क्रमशः क्या है, 4 व 6 है तथा 10 व 9 है, तो सदिश वेक्टर बी के एक्स तथा वाई घटक उसका परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। चूँकि कह रहा है कि वेक्टर ए के एक्स तथा वाई घटक क्या है, 4 और 6, जैसा कि पता है वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, इसलिए 4 से गुणा 4i प्लस वाई पर क्या मानते हैं, जे, तो क्या होगा 6j, तो वेक्टर ए की वैल्यू तो ये होगी। लेकिन अब बोल रहा है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना दिया है, 10 व 9 है, एक्स पे 10 है और इस पे कितना है, 9j, ठीक है, ये आप इक्वेशन एक कर दें, ठीक है, ये बोला है। चूँकि वेक्टर ए की वैल्यू इतना है, बी के बारे में पूछा है, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 4i प्लस 6j प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 10i प्लस 9j, तो आप वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 10i प्लस 9j माइनस 4i माइनस 6j, तो 10 में से क्या होगा, 6i और प्लस 3 क्या होगा, जे वेक्टर बी। लेकिन ये तो आंसर आ गया है, लेकिन आपसे पूछा सदिश वेक्टर बी के एक्स तथा वाई घटक, तो बी के एक्स घटक क्या होगा, लिखेंगे वेक्टर बी का एक्स घटक कितना आएगा दोस्तों, 6, और वेक्टर बी का वाई घटक कितना आएगा, 3, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर बी का एक्स घटक कितना होगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 3। अब कह रहा है कि इसका आप एक्स वाई घटक तो हो रहा है, उसका परिमाण भी ज्ञात कीजिए, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होगा, आई का स्क्वायर, यानी आई के गुणांक यानी 6 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक यानी 3 का स्क्वायर, तो ये 36 होगा और ये क्या होगा, 9, तो आप कर सकते हैं 45। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 45। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसके कितने आंसर हो गए, एक फर्स्ट हो गया मैग्नीट्यूड निकालने वाला, सेकंड हो गया, थर्ड पूछा है डायरेक्शन, तो देखिएगा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए मैं निकालना सिखाता हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन, चलिए मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन को मैं मिटा के ऊपर ही मैं मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन। याद रखिएगा थर्ड, जब भी एंगल निकालना हो तो टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है, क्या होगा, बी वाई बाई बी एक्स, ठीक है, बी वाई की वैल्यू कितनी है, 3, और बी एक्स की वैल्यू 6, 6 5 30, ठीक है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, 10 inverse 0.5, तो ये दोस्तों आंसर आ गया। तो दूसरे क्वेश्चन का भी कह सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन के जो तीन आंसर थे तीनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, देख लीजिए इसे। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए मैं उसे मिटा रहा हूँ दोस्तों। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग, मुझे लग रहा है जो भी टफ वगैरह लग रहा है उस टाइप के क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूँ, ताकि अब क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए, बाकी क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटियाँ हो सकती हैं। चलिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कह रहा है कि दो सदिश ए तथा बी एक
दूसरे से ठीक है थीटा कोण बनाते हैं, निम्न में से कौन सा ए तथा बी के लंबवत एकांक सदिश है? एकांक सदिश है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा ए ऑप्शन ए क्रॉस बी बटे ए बी, बी ऑप्शन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस यूनिट वेक्टर बी बटे साइन थीटा, सी ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, डी ऑप्शन ए क्रॉस बी बटे ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं, निम्न में से कौन सा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश हैं? ठीक है, ए तथा बी के लंबवत एकांक सदिश है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि दो सदिश ए तथा बी एक दूसरे के क्या बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। तो ले लीजिएगा, हमने मान लिया इस तरीके से, ये जो है दो सदिश आप लीजिए, ठीक है। अरे कि ए व बी एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं, निम्न में से कौन सा वेक्टर ए तथा बी के लंबवत एकांक सदिश होगा? क्या बोला है दोस्तों? लंबवत बोला है ना, लंबवत एकांक सदिश। तो जाहिर सी बात है कि आपको किसके बारे में बोला है, एकांक सदिश के बारे में बोला है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में बोला है, तो यूनिट वेक्टर वाला ही कोई टर्म होना चाहिए। इस पे यूनिट वेक्टर है ही नहीं, इस पे यूनिट वेक्टर है ही नहीं, इस पे भी यूनिट वेक्टर है ही नहीं, इसका मतलब कि इस वाले ऑप्शन में क्या है, सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ यूनिट वेक्टर के बारे में बताया, यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी बटे साइन थीटा। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया कि ए तथा बी के लंबवत एकांक सदिश क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए क्रॉस यूनिट वेक्टर बी बटे साइन थीटा। किसके बारे में बोला है? एकांक सदिश के बारे में बोला है, और इन चारों ऑप्शन में सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें यूनिट वेक्टर के बारे में बात किया, वरना इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, इसमें वेक्टर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ये क्या है? तो वेक्टर है तो वेक्टर का टर्म दिखाना चाहिए, क्योंकि एकांक सदिश पूछा है इसलिए एकांक सदिश यही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप आसानी से इसमें टिक कर दें। क्योंकि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको देखते ही क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, उसमें ज़्यादा आप दिमाग न खपाएं, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चंस जो होते हैं, जनरली आप देखते भी उसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसी टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।